तो यार देखो बैग के अंदर मैंने ये हाफ पैंट और ये टी शर्ट वी शर्ट डाल दी और इसके भी जो तुम देख लो यार लैपटॉप एडिटिंग मतलब अपने कैंपर वैन के अंदर मैं आराम से एडिटिंग भी कर सकता हूँ। बाकी ये कह रहे हो कि माइक है मम्मी ये माइक भी डाल दे फुल माँ फुल दिल्ली की सड़कों में चिल्लाते चलेंगे हाँ हाँ जी फुल गलत है क्या ये GoPro की एक्स्ट्रा बैटरी डाल दे मम्मी। देखो यार एक ब्लॉगर के बैकपैक में ना सबसे मेन चीज होती है चार्जर्स कपड़े तो देखो कितने कम है और हाँ ये एक और बैटरी ले लेते हैं हम कैमरे की। आने के बाद एक बार ना गाड़ी सब में चेक कर लेना अपना सामान सब तो कोई नहीं छोड़ा है क्योंकि चार्जर हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं मम्मी। और देखो तुम्हारा भाई फुल रेडी एडी के मतलब जो अपने असगर भाई है ना वो बाहर वेट कर रहे हैं करीब 10-15 मिनट हो गए तुम देख लो अपन ने ऊपर फुली वाली टी शर्ट पहन ली है यहाँ पे नीचे पैंट और देखो अपन रेडी है फुल गलत करने के लिए दिल्ली की सड़कों पर ठीक है। मतलब देखो मैं जानता हूँ आज की वीडियो बहुत ज्यादा एपिक होने वाली ठीक है तो चलो वीडियो स्टार्ट करने से पहले तुम लोगों ने देखो टाइटल थंबनेल देख लिया होगा आज अपन 24 घंटे कैंपर वैन के अंदर रहने वाले मतलब उसके अंदर अपन खाना बनाएंगे उसके अंदर सोएंगे उसके अंदर अपन टॉयलेट बाथरूम सब कुछ करेंगे ठीक है तो सीन बहुत ज्यादा गजब होने वाले इस वीडियो को लेकर लास्ट तक देखना बाकी चलो वीडियो की शुरुआत अपने इंट्रो के साथ करते ठीक है। तो यार मैं हूं मसूर खर्रचदी हां फुल टू एनर्जी हां फुल गलत अच्छा सारे नारे जोड़े रखते हो मुझे तो चोर ना जाए। तो यार देखो अब अपन रेडी है 24 घंटे कैंपर वैन में बिताने के लिए। ये भी अपनी कैंपर वैन ये रहे असगर जी क्या बात है तुम देख लो ये रहा अपना आज के दिन का घर ठीक है। देखो यार ये होती है राजश्री थाट अपन अपने चलते फिरते घर बैठ गए वो भी किसके साथ तो चलो यार यहाँ से फटाफट निकलते हैं और धीरज भाई को पिक करते हैं। अच्छे से आ जाना शाम को कल सुबह। अच्छा कल सुबह आएगा हाँ 24 घंटे चल ठीक है ठीक है देख रहे हैं सरप्राइज आज का लद्दाख उतार के लेकिन दिल्ली का भ्रमण होगा आज फुल मैंने धीरज भाई को मतलब कोई भी हिंट नहीं दिया था कि आज का सीन क्या होने वाला है। धीरज भाई कैसा लग रहा है तुम्हें इधर आओ तुम अंदर से देखो यार बाहर से तो ठीक है अंदर से खतरनाक है इतने ब्लॉक में घुसे तो आंटी शॉक हो गई कि यार ये कौन सी गाड़ी आ रही है ये देख हाँ जी आंटी ये देख ऊपर पूरा बेड का सिस्टम आया कौन से ये पहले बता दूं तू जानता है मास्टर बेड के पिटारे में बहुत सारी चीजें हैं आज हमने ये निकाल दी चल सामान पैक कर ले चल रहे अंदर ये देखो क्या बात है तुम देखना ये जो चेन है ना ये पूरी चेन खुल जाएगी अरे मतलब प्रॉपर कैंप दे रखा है ऊपर अपन रात में जहाँ भी रुकेंगे वहाँ प्रॉपर ऐसे ही आ जाओ यार असगर जी कहाँ चढ़ गए अब चलो सीन क्या कि ना यहाँ से पहले चले द्वारका की मार्केट वहाँ से थोड़ा सा अपन मैगी वगैरह उठाते हैं और मैगी बनाएंगे फुल जीप के अंदर ही और खाएंगे। और हाँ मेन चीज है कि मैंने एडिटिंग तो कंप्लीट कर रखी है लेकिन थोड़ा सा जैसे बोलते हैं ना कुछ फाइनल टच देना है एडिटिंग में वो भी कंप्लीट करेंगे। और बाकी हाँ अपन सोच भी रहे कि यार इसके बाद गाड़ी को कहाँ कहाँ ले जाएगी देखो दिल्ली NCR अपन इस पूरे एक दिन में कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं ठीक है। बंदे ऐसे घूर घूर के देख रहे हैं देख रहे हो क्या बात है सारे बंदों की नजर इधर ही आ रही है दुकान के सामने खड़ी करना छोड़ आए तो पता लगे लोगों को मास्टर बढ़ रहा है अपनी जरूरत को ना सारा सामान यहाँ पे मिल जाएगा ठीक है। अरे वाह ये मुझे क्या दिख गया तुम देखो नॉर का सूपी नूडल्स मतलब मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ मैंने बचपन में जितना सूपी नूडल्स खाया ना मैं यार सूपी नूडल्स का ना बहुत बड़ा फैन हूँ। देखो यार अपने सूपी नूडल्स के 3 पैकेट ले लिए चटपटा टोमेटो अरे वाह तुम देख रहे हो मतलब भैया पे तो बहुत फ्लेवर है यार यम्मी कैप्सिकम चिकन नूडल बस इतने बहुत है अपने को पूरा एक दिन का राशन जमा करना है ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे जितना अपने को मिल जाए ना सब लेते हैं कितने का है 68 भाई दूध भी ले लेते हैं तुम देख लो ब्रेकफास्ट का सारा सामान ले लिया अपन ने ठीक है दूध कॉफी मैगी और देखो कॉफी के साथ अपन बिस्किट्स ना खाए ऐसा हो नहीं सकता। और देखो साथ में अपन ये भी ले रहे हैं कुरकुरे सफर में ये छोटे मोटे कुरकुरे क्रैक्स ना खाए ऐसा हो नहीं सकता। हम तो भैया अभी घर से ही आ रहे हैं घूमने जा रहे हैं अभी तो प्लान है कि दिल्ली में थोड़ा घूमेंगे मूड बन गया तो बाहर निकल जाएंगे। और तुम देख लो आसपास सारे भाइयों की भीड़ आ गई है कैसी लग रही है कभी तुम लोग ठंडे कुरकुरे खाना ठंडे कुरकुरे खाना अलग ही स्वाद होता है आपने खाया कभी ठंडे कुरकुरे नहीं सर कभी नहीं आज तुम भी खाओगे फिर देख लो यहाँ पे मतलब अपनी थोड़ी सी एडिटिंग चल रही है एडिटिंग फटाफट से मैं डन करूंगा और उसका मतलब यही से अपन वीडियो अपलोड करेंगे फिर अपन अरावली हिल्स चलेंगे। तुम जानते हो अरावली हिल्स का कितना ज्यादा क्रेज है सोना रोड अरावली हिल्स मतलब वहाँ पे अपन फुल रुक के कैंपिंग सी करेंगे खाना वाना बनाएंगे। मैंने सुना है कि अरावली हिल्स में ना काफी ज्यादा जंगली जानवर भी होते हैं तो चलो देखते हैं कैसा क्या सीन होगा। अब मैं तो बोलूंगा देखो अगर तुमने इस वीडियो पे क्लिक कर दिया ना तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देना क्योंकि देखो इस सफर का ना मुझे भी नहीं पता कैसा क्या होगा सफर में अप एंड डाउन भी आएंगे तो क्यों ना साथ में उस चीज को हम टैकल करें मजे ले ठीक है। तो यार तुम देखो ये रही अपनी मोटर वो सामने अरावली हिल्स अपने यार अभी अरावली हिल्स की ओर जा रहे थे लेकिन यार तुम देख लो यहाँ पे मुझे दोनों भाई दिखे हैं 450 से 500 डॉग्स को खाने खिलाते हो डेली
अच्छा तो आप क्या पूरे गुड़गांव में ऐसे घूमते हैं? 60-70 किलोमीटर गाड़ी डेली चलता है। तुम देख लो मतलब प्रॉपर चिकन राइस, क्या बात है यार। देखो लेग पीस दिख रहा है मुझे इसके अंदर, एक मिल जाएगा। मुझे भी अपना टॉमी समझो। भाई दिल से शुक्रिया आपको यार, मेरे पास भी कहना की डॉग है और मैं देखता हूँ मतलब उसकी केयर तो मैं करूंगा, लेकिन जितने डॉग्स अपने पूरे दिल्ली पूरे इंडिया में है जो स्ट्रे डॉग्स है उनकी केयर कौन करेगा? आप जैसे लोग तो यार तुम देखो ये आ गई अपनी पूरी थाली। अरे वाह लस्सी भी आ गई फुल। मतलब मैं तो सोच रहा कि मैं 2 मिनट के लिए पलक के सबका, ये पर लाइसेंस बॉर्डर पहुंच गए, क्या बात है। और जहां अपन जा रहे हैं ना मुझे भी नहीं पता मतलब कैसा क्या सीन होगा वहां का। असगर जी ने बताया कि मतलब यार वहां पे अच्छा व्यू मिलेगा। अपनी गाड़ी का सीन को जैसे कि चलते हुए मतलब चलते हुए अपन ना कुछ कुक नहीं कर सकते उसमें, तो काफी टाइम लग गया यहाँ पे आते आते, इसलिए हमने सोचा कि यार मतलब चलो यहाँ पे लंच कर लेते हैं, बाकी जो यार अपना शाम का ब्रेकफास्ट होगा ना वो अपन फुल मतलब पहाड़ों में। को मेरा बताया ठीक है, अपने को जहाँ क्रिकेट दिख जाए ना वहाँ अपन अपने आप को रोक नहीं पाते और फुल ऑफ रोडिंग टाइप स्टोरी, अपन ऊपर बैठे बड़े मजे से अपने को उधर जाना जहाँ बंदे क्रिकेट खेल रहे हैं, छोटे छोटे मजे होते नहीं, ये मुझे काफी ज्यादा पसंद है। वहाँ जाएंगे 2-3 छक्के ओके मारेंगे। ओ भाई साहब मैं देख रहा हूँ वहाँ पे सीमेंट की पिच बना रखी है, मजा आ जाएगा। इनकी पिच के बीच में लगाना, इनका मैच रोकना है, तुम्हारा मैच बंद, लगाओ लगाओ सीधा लगाओ, फुल चल रहा है क्रिकेट। देखो अभी अपन भैया से पूछ रहे ठीक है मतलब यहाँ पे सबसे पास कौन सी घाटी होगी, भैया लोग बोल रहे हैं कि यार एक सोना की घाटी करके पहाड़ी का रास्ता है वहाँ पे अपने को जाने के लिए और वहाँ पे अपन कैंपिंग कर सकते हैं। अरे भैया शुक्रिया भैया। तो यार देखो अभी करीब 6:40 हो रहे ठीक है, तुम मेरे जस्ट पीछे देखो क्या नजारा है। ओ भाई साहब तुम देख लो यार। अरे अरे अस्कर जी बैठो बैठो, पोज मारो तुम यार बैठो, अरे तुम्हारे लिए तो आए, बैठो बैठो, हाँ बैठो, भाई की फोटो खींचो थोड़ी। हाँ जी नहीं, यहाँ से पूरी दिल्ली दिखती है गुड़गांव, क्या सीन है? पूरा हरियाणा नजर आ रहा है, ये पूरा हरियाणा, इस तरफ राजस्थान नजर आएगा। अच्छा तो इस तरफ अपना हरियाणा है और इस तरफ राजस्थान, क्या व्यू यार, मतलब इस व्यू के लिए अपन आए थे। पॉल्यूशन है नहीं तो पूरा फ्रेश दिखता है बिल्कुल। अपन ने टाइटल डाल रखा है 24 घंटे इन मोटर होम, अब मैं अपनी गाड़ी से बहुत बार बाहर निकल गया, देखो इसी को मास्टर बटर कहते हैं, रूल ब्रेकर। अपन अगर खाना खाने के लिए बाहर निकले, क्रिकेट खेलने के लिए बाहर निकले और अब व्यू देखने के लिए बाहर निकल रहे ठीक है। देखो इस वीडियो का टाइटल अगर मैंने 24 आवर्स इन मोटर होम कैंपर वैन दिया है ना तो उसके पीछे रीजन ये कि हाँ मैं थोड़ी थोड़ी देखने के लिए बाहर जाऊंगा लेकिन ज्यादा ज्यादा समय अपनी मोटर होम के अंदर ही निकालूंगा ठीक है। मतलब ऊपर अपन फुल बेड वेड खोल देंगे, रहना अपने को अंदर ही है, बाकी थोड़ा थोड़ा तो बाहर आते रहेंगे। देखो मुझे इतना भी रूल्स में रहने की आदत नहीं ठीक है, अपन मास्टर बढ़ रहे हैं, फुल रूल ब्रेकर हैं, इसलिए अपना स्लोगन है फुल गलत ठीक है। तो आओ जरा ऊपर चलते हैं, अपने भाई लोग यहाँ फुल नीचे बैठे बड़े ज्यादा के मैंने देखा जितने मेरे हरियाणवी भाई है ना वो यहाँ ऐसी लोकेशन बैठ के देसी हुक्का पी रहे होते हैं। कैसा लगा आपको भाई? बहुत अच्छा यार, सही है सिस्टम, बहुत मस्त है। अपन ना यहाँ पे मतलब टेबल वेबल लगा रहे थे, भाई ने आते ना हमको ऐसी न्यूज दे दी ना मतलब हमारे रोंगटे से खड़े हो गए। भाई क्या बता रहे थे आप? भैया कैमरा वहाँ दिखाओ जो हाँ टूटा हुआ है ना, यहाँ से ये जहाँ पे अपन ने अपनी मोटर हम लगा रखी ना, ये भाई कौन सी लेन है? डेथ लाइन, डेथ लाइन बोलते हैं इसे। 100 मीटर आगे से लेके 1 किलोमीटर नीचे तक यहाँ तक पूरे डेथ लाइन है, कोई भी डंपर टम्पू कुछ भी पलट सकते। भाई या भगाने के लिए आया? भाई यार ठीक है अगर तुम चाहते हो हम यहाँ कैंप ना लगाए, तुम सीधे सीधे बोल दो कि भाई भागो यहाँ से। ये खतरा कब होता है सर? आपको 3 बजे से लेकर हाँ और 4 के बीच, ये पॉइंट जो मतलब नींद आने वाली पॉइंट यही है। हाँ ये बात डंपर वगैरह होते हैं ना, रात हो जाए देख रहे क्या ये, और चले जा हमें मारने यार। ये ना यार देखो भगवान का इंडिकेशन था कि हाँ यार तुम कैंप लगा रहे हो, लेकिन सोच समझ के भगवान ने अपने दूत भेज दिए। सही बात है भाई। अच्छा तो आप क्या बोल रहे हो, सुबह से मुझे शिवकुंड भी जाना चाहिए? शिवकुंड जाना चाहिए अगर सोना आयो तो आप भैया यहाँ तो बंदिश पेश लिए आते हैं। और खासियत क्या है शिवकुंड की? भैया आपको कोई भी स्किन प्रॉब्लम है ना हाँ, अगर 3-4 बार आना होगी, शाम 2 बार ना होगी, 3 दिन तक ना होगी हाँ, 3-4 दिन में वो प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। तुम नजारा देखो यार कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब पूरा गुड़गांव दिखता है यहाँ से, क्या बात है, कैसा लग रहा है? सही है भाई, कैडो एक नंबर कटी जैन, सिस्टम बहुत कसूटा है। भैया आप यहाँ सो जाना, मैं यहाँ सो जाऊंगा, माने तू यहाँ सो जा, मैं यहाँ में सो जाऊंगा। मतलब असगर जी आप सही कह रहे थे, जितने भाई अपने आएंगे सबके रिएक्शन तगड़े होते हैं। मतलब राजस्थान और हिमाचल उत्तराखंड सर मैं कहीं भी चला जाता हूँ हाँ, उस जगह पे मैं इंसानों को गाड़ी दिखा दिखा के मैं परेशान हो जाता हूँ। मतलब सबके तगड़े रिएक्शन होते हैं हाँ। रिएक्शन कैसे नहीं होंगे, इतने हर बार चीज बना रखी है। टाइम करीब है 9:30 हो रहे और यार जो रात वाली भूख होती है ना वो ऐसी होती है मतलब खाना चाहिए तो खाना बनाते हैं ठीक है। देखो यहाँ पे कोई होटल वोटल नहीं जहाँ पे अपन जाके खाना खा ले, अपने को खुद बनाना पड़ेगा। और अपना स्टॉक में क्या है तुम्हें दिखाता हूँ मैं, क्या कर रहा है दिखा तो दे यार।
ओ भाई क्या है हाथ में, तू जो चूस के दिखा रहा था वैसे दिखाना कैसे चूसता है? सही बात है, चूस के दिखा दो देश भाई, अब खोला है तुमने तो चूस के दिखा दो यार। तुम देख लो करीब अपने पास 3 पैकेट सूपी नूडल्स के, ठीक है, और देखो और सिर्फ मैगी नहीं है अपने पास, ये खाना भी है, ठीक है, जो कि असगर भाई की फरमाइश पे आया गया, क्योंकि देखो असगर भाई को बहुत भूख लगती है रात में, क्यों असगर भाई? जी सर। असगर भाई ने स्पेशल बुलाया कि सर जी हमारा मैगी से नहीं हो पाएगा, हम अपने लिए करा रहे हैं, तो सारा खाना देखो असगर जी का। असगर जी यार थोड़ा शेयर कर लोगे ना हमसे? हाँ सर बिल्कुल। तुम देख लो यहाँ पे क्या गजब फीचर है, मैंने ये स्विच दबाया तो इस पे पानी आएगा, क्या बात है यार, ये कुछ अलग ही सीन है। कितने पैसे पड़े तुम पे जल्दी बताओ? सर अभी 1 रुपए नहीं है। हा? 1 रुपए भी नहीं है। लो यार तुम प्याज ही काटो, तुमसे क्या ही लूटूं मैं कुछ। तुम देख रहे हो अपन ने असगर जी को काम पे लगा दिया, ठीक है असगर जी 3 प्याज काट दो और 3 टमाटर, ठीक है। अरे कैसे हो तुम? तो क्या गाड़ी कैसी लग रही है? बढ़िया। कहाँ से आए हो आप? हम आए भिवाड़ी से, घूमने गए थे थोड़ा, घूम फिर के आ रहे हैं, रिटर्न जा रहे हैं बैक टू पवेलियन। तो जाओ फिर रास्ते में आपको देख लिया। ना ना अच्छी बात है, बैठो यार, अच्छा हमें खुद अच्छा लग रहा है, बोर हो रहे थे हम तुम्हारा, यही है ना इधर ऐसे फिर ऐसे। अभी सोचा था क्या बैंटन बनेंगे भाई, ओमनीट्रिक्स कहते रहा, ये बता दे कोई ले गया ना? कोई ले गया? चार्ज हो रहा है। मैं कहने की ना इमेजिन कर पा रहा हूँ कि हाँ जब बन के निकलेगी ना और तब तुम्हारा भाई इस पे झपट्टा मारेगा। गलत, वैसे मैं इतना सुपर लोग ऐड क्यों कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, दिल से भी आ रहे हैं करेंगे। इस व्यू को ना अपन जितना देखे उतना कम है, ठीक है, बहुत सही है, बहुत सही है, अपना गुड़गांव है क्या? देखो ये असगर तो भाई है ना अपने इतना चला, इन्होंने यार प्याज टमाटर काटे और उधर जाके बैठ गए, ठीक है, पता नहीं महबूबाओं से बात कर रहे थे और बारी बारी मुझसे पूछ रहे सर कोई हेल्प। मैं यार असगर कोई बंदा 3 बार पूछ रहा है सर कोई हेल्प, उससे अच्छा ये नहीं कि अंदर आके खुद ही हेल्प कर दे। कंपनी से फोन आया था इस वजह से मैं उधर चला गया। अच्छा तुम्हारी कंपनी का नाम महबूबा है? नहीं, नहीं नहीं, फिर कारवा, मतलब यार जिस मोटर होम में जिस कैंपर वैन में ट्रैवल कर रहा हूँ ना वो कारवा कंपनी की, ठीक है, तुम लोग अगर कारवा कंपनी ये मोटर होम ये जीप वाली मोटर होम अगर रेंट करनी है तो मैंने यार नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दे रखे, मतलब सारा फोन नंबर एड्रेस सब कुछ है। यहाँ पे कैंप करने में देखो मजा तो है लेकिन मजा के साथ थोड़ी थोड़ी सजा भी है, ठीक है, और सजा ये की यार यहाँ पे बहुत ज्यादा मच्छर है। अब मच्छर है मक्खी मुझे नहीं पता, देखो आज तक मुझे इनके बीच का डिफरेंस समझ में नहीं आया लेकिन काट रहे मुझे और मैं उस चीज से बचने के लिए ना ये ओडवास लेके आया, ठीक है। देखो मैंने पहले धीरज भाई को बोल दिया यार मैं तो इसमें खाऊंगा नमक के जगह कुरकुरे डाल दिए थोड़े। अरे वाह गलत मजा आ जाएगा यार, खा के बताओ कैसी है? ठीक है सर अभी बताओ। और कोई हेल्प सर? हाँ। नहीं और कोई हेल्प? सही बना। और वाह तुम देख लो, मतलब अपनी सूप नूडल फुल कुरकुरे से भर गई और देख के यार ऐसा लग ही नहीं रहा कि इसके नीचे फुल नूडल्स है अपने। देखो और मैगी बनाते बनाते अपने को ना करीब 11 बज गए और रात के 11 बजे अपना खाना क्या चल रहा है, तुम देख लो फुल कुरकुरे प्लस सूप नूडल, पूरी भूखिया गरम गरम जा रही है अभी, पूरा फील आता है उस टाइम तो। ऐसे ही सेम था बस एयरपोर्ट। ये बात तो है, अपन जब भोपाल के टॉप पे गए थे ना वहाँ भी मतलब अपने को कुछ ऐसा व्यू देखने को मिला था। देखो यार ये वाला व्यू तो अच्छा है लेकिन वो जो व्यू था ना उसकी पता खास बात क्या थी, उधर एयरपोर्ट इधर लेक, मतलब भोपाल के व्यू में कुछ अलग ही बात थी। बाकी देखो इधर वाला तो बढ़िया है, फूल रहे हैं फुला देंगे बढ़िया। भाई ये तुम क्यों बना रहे हो ये चकना टाइप का? वो अजगर जी है, अजगर जी पहाड़ों में फुल चिल चल रहा है, ठीक है, दे चिंगारे ना तेरा भाई फुल गैरोसीन है। और देखो यार अपन ने अपना बेड लगा दिया, ठीक है, मतलब वो रहे अपने तकिए और ये रहा अपना रजाई। और यार अभी रात के ना 3 बज रहे, अब सोने का वक्त हो गया, चलो थोड़ा सोते। देखो मैं जानता हूँ काफी ज्यादा लेट हो गया अपने को सोते होते, मतलब ऐसी जो वाइब मिलेगी तो किसको सोने का मन करेगा यार, इसलिए अपन आराम से चिल कर रहे थे, वाइब्स ले रहे थे, अब सोते हैं फुल। बाकी कल सुबह देखते हैं कैसा क्या सीन होगा, मतलब ये है कि हाँ जल्दी जल्दी अपने को उठना है और दिल्ली की ओर रवाना होना है, ठीक है, मतलब अभी तक प्लान ये किया 6 बजे करीब अपन उठ जाएंगे और ये चैलेंज मैं पूरा खत्म करूंगा, ठीक है, चलो अब सुबह मिलते हैं तुमसे, गुड नाइट। आंटी जी नमस्ते, तेरा शिवकुल का वो पानी गर्म पानी नहीं होता लेके आओ।
थोड़ा सा पानी में डाल, हाँ सही हो जाएगा। नोड़े नोड़े, अरे अरे अब भारी है कैंपर वैन को बाय बाय करने का, ठीक है। तो यार तुम टाइम देखो, टाइम करीब 10-15 हो रहे हैं, ठीक है, और चौबीस घंटे हो गए। एक्जैक्टली यार 24 घंटे हो गए अपने, और मैंने यार जस्ट अभी अपनी कैंपर वैन को रवाना किया है, ठीक है। तो चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को ना लाइक मार दो ज्यादा से ज्यादा, जिसे बोलते हैं ना लाइक्स बरसात हो यार। इतनी ज्यादा मेहनत लगी ना इस वीडियो में, 24 घंटे इन कैंपर वैन, ठीक है। 40 से 50 लाइक्स आ जाने चाहिए, ठीक है। बाकी कमेंट कर देना कि तुम लोगों को पूरी वीडियो कैसी लगी। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना, घंटे का ऑप्शन भी देना जब मैं वीडियो आऊंगा। तुम बता सके मास्टर प्रो कर दी, हम पहले वीडियो देखते हैं, ठीक है। तो चलो फिर मैं मास्टर मोटर मिलता हूं आपसे अगले में, तब तक के लिए गुड बाय। दे चिंगारी ना तेरा भाई कह रहा गहरा सीन है, सीन गहरा गहरा सीन है, सीन है सीन है सीन है, ए सीन गहरा गहरा सीन है, सीन है सीन है सीन है। अरे वाह।